अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल्ला जावेद, इस टाइम मौजूद हूँ शाही बॉल ग्राउंड गिलगित में, जहाँ मुनक़िद किया जा रहा है गिलगित लेवल में पहली दफा गवर्नमेंट की सतह में जश्न बहारा पोलो फेस्टिवल, जिसमें गिलगित की डिपार्टमेंट टीम्स और उसके साथ साथ जो जश्न बहारा सिविल फुटबॉल से जो जीते हैं उनके दरमियान यहाँ मैच खेला जा रहा है। शाकिन यहाँ खचा खच भरे, आप मेरे लेफ्ट और राइट जानब देख रहे हैं, गिलगित का ये मशहूर ग्राउंड है जो कि पिछले कई सालों से यहाँ फेस्टिवल्स मुनक़िद हो रहे हैं फॉलो के। आए आगे चलते हैं और शाकिन से पूछते हैं और यहाँ के क्राउड से भी पूछते हैं, यहाँ के जो टीम टीम के कैप्टन थे उनसे भी जानते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। उसके बाद सर आपसे बुनियादी सवाल थे, सर आपके टाइम के जो पोलो था और आज का आप देख रहे हैं, जो मैचेस आप देख रहे हैं, यंगस्टर्स आए हुए हैं, इनमें क्या फर्क आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई साहब आप देख रहे हैं इतनी बड़ी क्राउड यहाँ जमा है, तो ये पोलो हमारी कल्चर है, तो यहाँ पर हम छोटे बड़े सब इसको अपना एक नेशनल गेम समझते हैं। को जो मोनेटाइज करते हैं पूरे जीबी लेवल में और गिलगित लेवल में, सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो पोलो इवेंट इन्होंने करा है इसमें क्या क्या चीजें। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, इस इवेंट को कराने में कौन कौन सी चीजें करामद आई, कौन सी डिपार्टमेंट करामद आए और उसके साथ साथ क्या क्या मुश्किल आपको पेश आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा जश्न बहारा पोलो टूर्नामेंट 2023 का फर्स्ट मैच आज ओपनिंग थी, तो इसमें हम मशहूर हैं सबसे पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट के खसूसन सेक्रेटरी आसिफ अल्लाह साहब, और उसके बाद हमारे हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसकी रेनोवेशन करवाई टूरिज्म डिपार्टमेंट में, आपको भी चेंजिंग काफ़ी नज़र आ रही है कि ग्राउंड में बहुत सारे काफ़ी जो यहाँ पे रिक्वायर्ड थी वो काफ़ी मामला टूरिज्म डिपार्टमेंट ने काम करवाए इसके, और इसके अलावा काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे फॉरेस्ट है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अलावा बल्दिया वगैरह, उनके जो जितने वर्कर्स हैं स्पेशली आबिद साहब हैं हमारे चीफ बल्दिया, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं, तो इसी तरह जो है डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड है हमारे हुसैन अली साहब हैं, ये दिन रात हमारे साथ खड़े रहे हैं पिछले 12-15 दिनों से, और ये इवेंट को कामयाब बनाने में इन सब का हाथ है। सर आप बताएं, बड़े आप हमें नजर आ रहे थे, आपने बिल्कुल पोलो के शूज की तरह आपने वो दिया हुआ है, टोपी पहनी है, उसके साथ साथ आपने, आप बताएं आप कब से ये मैचेस देख रहे हैं और आप बड़े शौकीन लग रहे हैं? मैं तो बचपन से, हमारा चाचा मरहूम अभी फोत हो गया, वो खेलता था अहमद चाचा, उसके साथ हम आते थे बचपन से, खेल जब खत्म होता तो हम घोड़ा लेकर जाते थे